नमस्कार दोस्तों, जय गांव मिरर्स में आपका स्वागत है। मैं विजय कुमार गुप्ता कैमरामैन यूआर के साथ आज मौजूद हूँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत और भूटान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे शहर जयगांव पे। और आपको बता दें इस समय हम लोग मौजूद हैं चाइनीज़ लाइन पे। इस जगह का नाम चाइनीज़ लाइन है लेकिन हम लोग भारत में ही हैं और एकदम सीमा रेखा पे मौजूद हैं। और आप सभी को एक दृश्य दिखाना चाहेंगे दोस्तों। हम लोग मौजूद हैं भारत भूटान के पिलर नंबर 70 पे और आप सभी को जो दृश्य दिखाना चाहते हैं दोस्तों, ये पिलर के साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ नज़र आ रहा है। जो पिलर कभी बीच में हुआ करता था, आज कई सेंटीमीटर कई इंच भारत के तरफ घिसक चुका है। क्या वजह है, कैसे करके ये हुआ, हम लोग यहाँ के स्थानीय लोगों और यहाँ के पंचायत मेंबर से जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, ये बताइए, यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय इंडिया भूटान का पिलर देखा जा रहा है, कुछ इसके साथ छेड़छाड़ हुआ नज़र आ रहा है, आप कुछ जानकारी दे सकते हैं कैसे करके ये हुआ है? थोड़ा जो पिलर है, इसको पिलर नंबर 70 कहा जाता है। ये पिलर को छेड़छाड़ तो नहीं बोला गया, लेकिन जब ये जो भूटान का जो सीवरेज का जो काम चल रहा था, यहाँ पे सीवरेज का जो काम चल रहा था, वहाँ से वो जो खुनाई हो रहा था, उस टाइम पे वो जो नीचे वाला माने थोड़ा हम लोग का तरह आया जैसा लग रहा है, लेकिन नीचे का क्या पता नहीं। पास में जो ऊपर में जो बनाया है, ऊपर बनाने टाइम देख रहा है कि जो पिलर तीन सौ जो पिलर है, वो पिलर के बीच में होना चाहिए, लेकिन उसको जो बीच मने जो शेप है वो नीचे नीचे आ गया। और एरो जो दिखा रहा है, एरो भी थोड़ा सही ढंग से नहीं है। इस कारण से लेकर अगर 1 इंच गया तो वहाँ जाके कम से कम नाइप हुआ 10 फुट हम लोग का चला जाता है। तो इससे क्या आपको लगता है सीमा विवाद कुछ समस्या आगे चल के हो सकता है? आगे चल के सीमा मने इतना तो नहीं जाए, क्योंकि वहाँ पे एक तो पिलर और है, 71 है पिलर है वहाँ पे, इतना तो नहीं जाएगा। फिर भी एक तो बात है, जैसे कि हम लोग का जितना जमीन है, जमीन में थोड़ा हम लोग तो यहाँ पर रेजिडेंसी है, हम लोग खाली यहाँ पे वेस्टेड नहीं, हम लोग तो रजिस्टर्ड जमीन भी है, हम लोग बहुत पुराना रह रहा हूँ, उसमें थोड़ा कम बेस हो सकता है। क्या ये भारत की तरफ में कटौती हुआ है ना, भूटान की तरफ में? ये भारत की तरफ हो, भारत हो। तो ये आप भारत नागरिक होने के नाते भारत की तरफ में कटौती हुआ, इस विषय को लेकर जाँच एजेंसी कुछ नहीं आई है अभी तक? पता नहीं, ना अभी कोई कुछ नहीं आया, इसके बारे में कोई कंप्लेन भी नहीं हुआ है, कोई कंप्लेन भी नहीं हुआ, मैंने कंप्लेन नहीं होने से आएगा नहीं तो मालूम आप लोग। आप एक यहाँ का पंचायत है, इस विषय को लेकर कुछ आगे बात उठाएंगे? इस विषय लेकर जैसा कि हम लोग जैसे उच्च माने जो अधिकारी है उसका थोड़ा बता देंगे तो वो लोग आके आना चाहिए, क्योंकि SSP जो है अभी फिलहाल जो SSP देख रहा है इसको, SSP जो है उसके हिसाब से कोई SBI के भी कोई कंप्लेन नहीं हुआ है। दोस्तों, यहाँ के पंचायत मेंबर और स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ समय पहले यहाँ पे भूटान द्वारा यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम का काम हुआ था, जिसके वजह से ये जो पिलर है वो भारत के तरफ खसक गया और इसके वजह से आपको कहा जा सकता है कि भारत और भूटान का जो सीमा का जो है कुछ विवाद भी हो सकता है। इसको देखने की ज़रूरत है, प्रशासन को देखने की ज़रूरत है, सरकार को देखने की ज़रूरत है। यही आशा करते हैं कि मित्रता कायम रहे, आगे चल के भी भारत भूटान का मित्रता कायम रहे। SHMD school books and stationeries shall be available at Asian Book Distributors at special discount. Visit Asian Book Distributors, ground floor, below Seema Steel, near Reliance Smart Grocery Store, Durga Ridya Mall, NS Road, Jaigaon. Contact +91 9775281398 +97577456946.